चमन तुम्हारा है, इस मुमलिकत खुदादाद को जहाँ फितरत ने रंग बिरंगे मौसमों की कौसे कज़ा, लहलहाते खेतों, मौजे मारते दरियाओं और दुनिया की अजीम पहाड़ी सिलसिलों से नवाजा है, वहीं कुछ तलख हकायक भी इंतहाई बेरहमी से मुँह चिड़ाते हुए नजर आते हैं। इन मसाइल में चोरी और डकैती, कत्ल और गारत गरी, माली करप्शन और अखलाकी पस्ती वगैरह शामिल है। अगर गौर से देखा जाए तो इन तमाम मसाइल के पीछे चंद एक और वजूहात के साथ साथ एक बहुत नुमाया वजह गुरबत है। गुरबत जहाँ इन मसाइल को जन्म देती है, वहीं उसकी कोख से जहालत और नाख्वानदगी भी जन्म लेती है। और जब नामसाइद हालात इस जहालत को साल हर साल परवान चढ़ाते हैं तो इसका फितरी रद्द अमल हादसात की शक्ल में होता है। किसी शायर ने इस फलसफे को यूं शेर में समोया है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और जहालत के लिए वतन अजीज में कई अफराद और इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद ने भी अपनी बेलौस खिदमात पेश करके इस धरती के माथे पर लगे इस जख्म को मुंदमिल करने की एक छोटी सी काविश का आगाज कर दिया है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमारा बच्चों को उठाया और सही तो जगह में रखा है। इदारे भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सबको इसके खुशी में मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इन लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है और ऐसा बच्चों को काम पे लगा है। तालीम के मैदान में इस माशरे में बेहतरी लाने के लिए मोहतरम रेक्टर नमल मेजर जनरल जियाउद्दीन नजम ने अपने मुसम्मम इरादे से इस काम का आगाज सितंबर 2015 में करवा दिया है। इस काम के आगाज के लिए इस जामिया के चंद एक असातिज़ा बस्ती बस्ती करिया करिया फिरे और खुदाए बुजुर्ग बरकत की तौफीक से 25 नवंबर 2015 को एक अजीम मंसूबे का आगाज कर दिया। ये बच्चे बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। नमल के अतराफ़ में जो बस्तियाँ हैं, हम इनमें काफ़ी अर्सा फिरे, तकरीबन 2-3 महीने हम लोग, मैं और मेरे चंद एक टीचर्स, हम लोग बस्ती बस्ती गए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने पता किया कि बच्चे क्या करते हैं। जो बच्चे तो पढ़ रहे थे ऑलरेडी कुछ स्कूलों में, हमने तो उनको तो नहीं टच किया, उनको तो हमने पढ़ने दिया, क्योंकि मकसद यही था कि बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार ना हो, कोई सिगरेट नोशी ना करें, उसके भीख मांगने की तरफ ना आए। ये बच्चे हमें मिले नमल के जो दाएँ में 2-3 बस्तियाँ उनसे, तो इनके वालदैन बहुत खुश हुए इन बच्चों को ये सुन के कि ये बच्चे स्कूल जाएंगे। पहले पालिश करता था, ठीक है, मजदूरी करते थे हम लोग जो है ना, गरीब आदमी है, ठीक है। ये फिर हजरत अली है, ये इसका नाम थे, ये सारा आए हैं, इसने बोला भाई बच्चों को स्कूल लेकर जाना, हमने इनको तलीम देनी है, ठीक है, इसलिए आए हैं। इसके मेहरबानी है सर, जो ये पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। ये मंसूबा जिसको उर्फ़ आम में कम्युनिटी सर्विस कहा जाता है, नमल में दो मुख्तलिफ शक्लों में बयक वक्त काम कर रहा है, जिसको इस जामिया के असातिज़ा और रजिस्ट्रार नमल ब्रिगेडियर अमीनुल्ला मोहतरम रेक्टर की ज़ेर परस्ती चला रहे हैं। इसमें दो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, चरागे बदर और नमल एडॉप्शन प्रोग्राम। चरागे बदर की रोशनी ग़ज़वे बदर के उस अजीम चराग से ली गई है जो कि मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सदियों पहले फ़तह बदर के बाद रोशन किया था, जिसमें कैदियान जंग को आज़ादी की दो शराइत पेश की गई थी, जिनमें से एक ये भी थी कि मक्के का हर कैदी मदीने के 10 बच्चों को पढ़ाएगा। इस वक्त चराग़े बदर के तहत हमारी जामिया में 27 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इन बच्चों को इस्लामाबाद की मुख्तलिफ कच्ची बस्तियों से लाया गया है और ये इंतहाई जज्बे से ज़ेवर तालीम से ख़ुद को आरास्ता कर रही हैं। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, इन बच्चों ने अभी तक एक छुट्टी भी नहीं की, और अगर बस लेट हो जाए तो ये पैदल स्कूल आ जाते हैं। उनको इस ऐसे कमतरी से निकालने के लिए ये कुछ बताया जाता है कि आप अपनी कच्ची बस्ती में रहते हुए कुछ नहीं से बहुत कुछ कर सकते हो और अच्छा शहरी और एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकते हो। चिरागे बदर के आगाज़ से चंद दिन पहले इन बच्चों को जूते और स्कूल यूनिफॉर्म खरीद कर मुहैया कर दी गई और अब ये हर रोज़ नमल आते हैं और तालीम तरबियत पा रहे हैं। नमल की जानिब से इन्हें पिक एंड ड्रॉप सहूलत के साथ साथ हर रोज़ दोपहर का खाना भी दिया जाता है। इसके अलावा महीने में एक बार इनको पार्क, चिड़ियाघर या किसी सनत की सैर भी करवाई जाती है। चरागे बद्र के अलावा नमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत G12 जो कि मिरियाबादिया के नाम से भी जाना जाता है, में भी 125 बच्चों को एडॉप्ट किया गया है। इन बच्चों को
तालीम वहीं दी जा रही है मगर इमारत का किराया और असातिज़ा की तनख्वाह नमल अदा कर रहा है। ये बच्चे भी इस माशरे की बेहसी का मुंह बोलता सबूत हैं। इनमें से बेशतर की माएँ G11 के घरों में काम काज करके रोजी कमाती हैं या फिर भीख मांग कर। भीख मांग के बच्ची ले आंदी थी तो कोई गुजारा कर देते, उन सत बच्चियां नहीं गुजारा होता। चिराग बद्र और नमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत पढ़ने वाले बच्चों को मुस्तकबिल में तालीम दिलवा कर और उसके साथ साथ हुनर सिखाकर जिंदगी के अमली मैदान में भरपूर तैयारी के साथ उतारा जाएगा और इंशाल्लाह ये बच्चे जो कि खुदादाद सलाहियतों से मालामाल हैं इस माशरे में फिर एक नासूर और बोझ बनने की बजाय इस दुखी माशरे का बोझ उठा सकेंगे। चिराग़े बद्र की लौ से फरोगे इल्म करो, करो वतन से दूर जहालत की तारीकी। आएं आज हम मिलकर इस अजीम काविश की कामयाबी के लिए अपना अपना हिस्सा डालें ताकि चिराग़े बद्र की जगमग से मुल्क के जुल्मत कदों में रोशनी फैल जाए और इस शमा फिरोज़ा की लौ अपने इर्द गिर्द परवानों की एक महफिल सजा ले।